महाटेट पवित्र पोर्टल की न्यू जो है तो न्यूज़ आई है 21 सितंबर 2023 की। इसमें ये बताया गया है, इसको हम जूम कर लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। उम्मीदवारों के लिए सूचना है कि शिक्षक अभियोगिता बुद्धिमती चाशनी 2022 के हिसाब से शिक्षक पद भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास से 100 प्रमाण पत्र पूर्ण करने के मुतालिक है। तो सन 2018-19 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो थी TET, उसमें जो फ्रॉड लिस्ट आई थी एक, जहाँ पर गैर प्रकार केलियम उड़े, तो इसमें प्रतिबंध किए हुए जो उम्मीदवार थे वो उच्च न्यायालय मुंबई यहाँ पर उन्होंने याचिका स्टैम्प क्रमांक नंबर ये जो दिए गए हैं 44/34/2023 और 18/24/2023 और खंडपीठ औरंगाबाद यहाँ पर याचिका क्रमांक था 1953/2023। इसमें जो निर्णय जो दिया गया, शिक्षक अभियोगिता और बुद्धिमती चाशनी 2022 के चाशनीस प्रविष्ट होता ये नसलिया चा, मतलब वो जो नोंद नहीं हो पा रही थी, रजिस्ट्रेशन निर्णय दिला होता, यामुळे सदर उम्मीदवारों ने 100 प्रमाणपत्र नोंदणी करिता सहभागी करण्यात आलेले नाही, तो उनको जो है तो नोंदणी करना नहीं हो पाया था। और उच्च न्यायालय मुंबई में याचिका जो क्रमांक था ये जो भी नंबर है पूरा, तो उसके बाद और अन्य याचिका में अंतिम आदेश जो था 13 सितंबर 2023, उसी तरह से खंडपीठ औरंगाबाद में जो याचिका नंबर था, तो ये सब के हिसाब से आदेश के हिसाब से दिनांक 14 सितंबर और 20 सितंबर, उसी तरह खंडपीठ नागपुर में याचिका का नंबर जो था तो 61/63/2023, इसके हिसाब से अन्य याचिका में अंतरिम आदेश के हिसाब से उम्मीदवारों को आवश्यक उसी तरह से त्या बाबींची पूर्तता होत असल्याची खात्री संबंधित नोडल अधिकाऱ्यांनी केल्यानंतर ये 100 प्रमाणपत्र करने के हिसाब से स्वयं उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश मान्य उच्च न्यायालय ने यह दिया हुआ है। और ये हाईकोर्ट ने जो दिया हुआ जो निर्णय है उसके हिसाब से प्राप्त जो होने वाले अर्जांची छाननी करून उनकी छाननी की जाएंगी, पात्रता निश्चित कराव्याची कार्यवाही नोडल अधिकारी यांच्याकडून होणार आहे। तो उनके नोडल अधिकारी के पास होगा। या प्रक्रियेसाठी लागणारे वेळ विचारात घेता 100 प्रमाणपत्र नोंदणी करण्यासाठी मुद्दत वाढ देणे आवश्यक आहे। तो इसके लिए क्या है कि वो कह रहे हैं कि इसके लिए मुद्दत वाढ देना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब वो सारे टूट पड़ेंगे वेबसाइट पर। अब ये 8,500 या फिर जो भी जिसके भी ताल्लुक से कहा गया है, एक बार चेक कर लेना किसका खुल रहा है किसका नहीं। तो इस वजह से उनके साथ में ही तमाम का, अगर किसी का सेल्फ सर्टिफाई वगैरह कुछ चीज़ें है तो उनके लिए भी 30 सितंबर 2023 तक ये इसकी मुद्दत वाढ़, ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो बाकी जो उम्मीदवार जिनके पास में डोमिसाइल बिल्कुल नहीं था और डोमिसाइल को उन्होंने नो कर दिया था, वो बना लीजिए। डोमिसाइल EWS नहीं था, बनाना चाह रहे थे बना लीजिए उसके बीच में 30 तारीख तक, और बाकी के लोग जो फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं वो कर लीजिए। थैंक यू।